शादी शादी शादी, तुम्हें बड़ी पड़ी है मेरी शादी। अरे तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभाल लो पहले, बाद में किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी इतनी इतनी हंस खेल के गुजारी है कि तुम मेरी वीडियोस देखना, देखती हो पता ही है मुझे, देखती हो तभी तो ये हो रहा है। समझते कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी। मैं मर नहीं सकती भाई, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मेरी दो बेटियां हैं। चाहते हैं बहुत लोग कि मैं मर जाऊं, सुसाइड कर लूं और सब बढ़िया रहे, मेरे कांटे सबके निकल जाएं, ऐसा कुछ है बहुत लोगों की सोच में। मैं सब फ्रेंड्स, इन दिनों सोशल मीडिया पे सपना का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सपना ये बोलते हुए दिख रही है कि मेरे पुराने वीडियोस देख लो, कि जिसमें मैंने अपनी जो मैरिड लाइफ है कितनी अच्छे से गुजारी है और मैं कितनी खुश थी। तुम लोग क्या शादी शादी करते रहते हो ज़िंदगी में, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, बहुत कुछ नहीं होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम टाइम में बहुत खुशियों को जिया है। तो फ्रेंड्स, उन चीज़ों का कॉम्पेरिजन अभी का जो सपना का एक वीडियो आया था, जिसमें सपना ने ये कहा था कि मैंने बहुत दुख के दिन झेले हैं, मेरी जैसी लड़की नहीं होती है, किस्मत नहीं होती है, इस चीज़ के साथ कॉम्पेरिजन किया जा रहा है और सपना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि अगर वो वीडियो सच था तो अभी जो आपने ये वीडियो बनाया इसमें कितनी सच्चाई है। तो हम आपको बता दें कि इंसान की लाइफ होती है, सुबह शाम बदलती है, अभी जैसी है ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन बाद भी वैसी हो। अभी हमारा मूड अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है शाम को भी हमारा मूड अच्छा ही हो। तो सपना के साथ जो कुछ भी हुआ था, सपना एक घर की बहू थी, सपना पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और हम औरतों में एक बात सिखाई जाती है कि जो घर की चीज़ें बाहर उछालना नहीं जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए। औरतें ऐसे ही करती हैं, औरतें जितना हो सकता है सहन करती है, इतनी आसानी से औरतें अपनी दुख किसी को बताती नहीं है, अपनी घर की बातें किसी को नहीं बताती है। वैसे ही सपना ने नहीं बताया था, सपना ने कोशिश पूरी की थी कि घर की बातें बाहर तक ना आए, किसी को कुछ पता ना चले, पर सपना का जीना हराम कर दिया था उस घर में कुछ लोगों ने, रिश्तेदारों ने, इसलिए सपना को मजबूरन सब कुछ बताना पड़ा।